डेंगू के अपडेट की अगर बात करें तो रायगढ़ जिले में डेंगू ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड अब तोड़ दिए हैं। डेंगू पीड़ितों की संख्या के मामले में रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में टॉप पर है। दो महीनों के अंदर जिले में डेंगू प्रभावित मरीजों की संख्या 1140 के पार हो चुकी है। जिले में औसतन हर दिन डेंगू के 15 केस सामने आ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बता दें कि विपक्ष ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर भी अब सवाल उठाए हैं। भाजपा का यह आरोप है कि लगातार बढ़ते डेंगू को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का यह भी कहना है कि अब तक 90% केस रिकवर हो चुके हैं। शहर के कुछ वार्डो से पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं, उन इलाकों को डेंजर जोन में बनाते हुए अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 12 से 13 ऐसे वार्ड हैं जिनको डेंजर जोन के कगार पर ला दिया गया है, तो स्थिति अगर हम देखें तो बहुत ही डरावनी बनी हुई है। 1100 मामले कोई कम मामले नहीं है, प्रदेश में हम हाईएस्ट उसमें आ चुके हैं। तो रायगढ़ शहर को, रायगढ़ सरकार को और रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरे मुस्तैदी के साथ कार्य करना पड़ेगा। इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से जो संयुक्त रूप से टीम जो है घर घर जा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है और नियमित रूप से सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई किया जा रहा है और कमिश्नर सर के माध्यम से भी क्या है सब लोग को अलर्ट जारी किया गया था, तो ये जो है नियमित प्रक्रिया भी चल रही है।